क्या आप घर पर ही बच्चे की स्पीच पर काम करना चाहते हैं, उसे स्पीच थेरेपी देना चाहते हैं? तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ में 12 ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीच थेरेपी रूल्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे का कोई भी लेवल है, ये रूल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज आपके साथ शेयर करूंगी 12 रूल्स स्पीच थेरेपी के, रूल्स जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। हम बच्चों को जब स्पीच थेरेपी देते हैं तो घर पे अगर बच्चे को ऑटिज्म है या स्पीच डिलेट भी है या बच्चे को माइल्ड हेयरिंग प्रॉब्लम है तो बच्चों को अक्सर बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को स्पीच को लेकर इश्यूज होने वाले हैं। उसके साइंस जो हैं वो आप उसके लिए मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा। 6 महीने की उम्र तक, 6 मंथ्स तक आपका बच्चा आपके साथ में आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है। आप कोई चीज़ लेकर उसको दिखा रहे हैं लेकिन वो चीज़ देख रहा है लेकिन आपको नहीं देख रहा है। आपके साथ में उसे आई कांटेक्ट बनाने में प्रॉब्लम है, बच्चा आपको बिल्कुल नहीं देखता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है बच्चे में स्पीच डिले का या फिर ऑटिज्म का। बच्चों को 1 साल से पहले अगर ऑब्जर्व कर लिया जाए और अगर इन इश्यूज को समझा जाए तो हम डेफिनेटली बच्चों में स्पीच को डेवलप कर सकते हैं। अगर बच्चे को आपको लगता है कि स्टार्टिंग में ही बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं देता है या पहले देता था अब उसने देना बंद कर दिया है, तो ये वर्चुअल ऑटिज्म का केस हो सकता है या फिर रिग्रेसिव ऑटिज्म हो सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे की इन इंडिकेटर्स को समझने की ज़रूरत है और ज़रूरत है घर पर ही बच्चे को स्पीच थेरेपी देने की, अगर उसे किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या वो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी क्या उनमें से कोई इशू आपके बच्चे को तो नहीं है। बच्चे को प्री वर्बल स्किल्स बच्चे में डेवलप किए जाने चाहिए। अगर हम बच्चे को ऐसे ही ले जाकर स्पीच थेरेपी सेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, वो सामने वाले को देखता नहीं है, ध्यान नहीं दे पाता है, तो उस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले घर पर ही आपको बच्चे को वो चीज़ें उसमें डेवलप करनी ज़रूरी है ताकि स्पीच थेरेपी के उसे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। स्पीच थेरेपी के ये रूल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उससे आप घर पर भी बच्चों को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन हर एक रूल को आप ध्यान से समझिएगा और ज़रूर वर्क करेंगे ये अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है कि बच्चे को आई कॉन्टैक्ट बच्चे में हो। बच्चा अगर नहीं देख रहा है तो चाहे फेस पर आप पेंट लगाकर या फिर फेस पर स्टिकर लगाइए और बच्चे को उसे निकालने के लिए बोले, इस बहाने बच्चे आपको देखते हैं, या फिर बच्चे की फेवरेट चीज़ों को लेना, इन चीज़ों से बच्चों में आई कॉन्टैक्ट बनना शुरू होता है। अगर बच्चे बिल्कुल नहीं देखते हैं धीरे धीरे वो आपको देखना शुरू करेंगे, या फेस पर कुछ ऐसा बिंदी लगा लेना, कोई शाइनिंग वाले से कोई बिंदी वगैरह लगाना जिससे कि बच्चे आपको देखें, क्योंकि बच्चे कोई चमकती चीज़ को ज़रूर देखते हैं, स्पेशली अगर बच्चे को ऑटिज्म है। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट दे, जैसे कि जब खाना देना है या पानी, कोई भी चीज़ आप उसको दे रहे हो तो उसकी आंखों में, जब वो बच्चा आपको आंखों में देखे तब आप उसको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। चाहे 1 सेकंड के लिए बच्चा आपको देखने की एक आदत उसकी बनी ज़रूरी है कि वो आपको ध्यान दे, आपको देखे। ज़्यादातर बच्चे आपको देखते ही नहीं हैं। हमें ये चीज़ों को, उसके टॉयज़ को, उसकी फेवरेट चीज़ों को, उसके फेवरेट एडिबल्स को लेना है उसका अटेंशन लेने के लिए, उसका आई कॉन्टैक्ट लेने के लिए। बच्चा धीरे धीरे आपको देखना शुरू करते हैं। अगर एक बार बच्चे ने आपको देखना शुरू कर दिया है तो बच्चे धीरे धीरे उस चीज़ पर बने रहते हैं, ये बिहेवियर उनमें बनना शुरू हो जाता है कि बच्चा आपको देखना शुरू करता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो ये बिहेवियर बनता जाता है कि बच्चे आपको देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमें बिल्कुल इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है कि हमारा बच्चा हमें देखना बंद ना करे। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं देखता है तो हम हर एक कोशिश करेंगे कि बच्चा हमें ज़रूर देखे, क्योंकि बच्चे देखने से सीखते हैं और जब बच्चे आपको नहीं देखते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं और बोलना उनमें से एक है। दूसरी चीज़ की बच्चे में जॉइंट अटेंशन स्किल्स का होना। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ बलून फुलाना है और बलून को नीचे छोड़ना है, सिली से फेसेस बनाना, सिली आवाज़ें निकालना, ये चीज़ें भी आपके बच्चे को आपके साथ जोड़ती हैं। अगर आप कोई टॉय ले रहे हो और उसे दिखा रहे हो और ये एक जॉइंट अटेंशन स्किल पर आप काम कर रहे हो कि बच्चे को पॉइंटिंग सिखाना, उस टाइम पर उसके बारे में बात करना, ये चीज़ें भी बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्किल्स को बढ़ाती हैं। और जॉइंट अटेंशन स्पीच का फर्स्ट स्टेप है। जॉइंट अटेंशन के लिए आप बच्चे की फेवरेट चीज़ों को लेंगे, उसकी पसंद की चीज़ों को लेंगे और ट्राई करेंगे कि बच्चे का मैक्सिमम अटेंशन आपको मिले। कहाँ पर आइस, किसकी कहाँ है आइस, कहाँ है? बच्चे आपको ध्यान दें, आपको सुने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो बच्चों के लिए बहुत रीइंफोर्सिंग है, जैसे कि वाटर बीड्स को ही उसके आंखों के सामने लाकर क्रश करना, या फिर ऑडिटरी या विजुअल टॉय को अपनी आंखों आई लेवल के पास लाकर यूज़ करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम ऑयल टाइमर भी कहते हैं, ऑयल टाइमर या सैंड टाइमर को यूज़ करना अपने आई लेवल के पास लाकर, उससे बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। स्पेशली जिन बच्चों को विजुअल स्टिमिंग के इश्यूज होते हैं वो बच्चे ज़रूर आपको ध्यान देते हैं, उनका जो साइड विजन बच्चों का रहता है वो ठीक होता है, बच्चे सामने देखना शुरू करते हैं।
हैं और उससे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बनना शुरू होता है। अलग अलग टॉयज़ के साथ बच्चों के अटेंशन पर काम कीजिए जो उसे सुनने और बोलने में हेल्प करेंगे। जब आपको बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपके बच्चे को आगे चलकर स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। उसे स्पीच डिले हो सकता है, उसे ऑटिज़म हो सकता है। तो ज़रूरी है बच्चे के साथ मैक्सिमम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक खुश होकर काम करना, या जिसे मैं कहती हूँ कि एक जॉयफुल एक्सप्रेशन बच्चे के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपको देखे। जब आप बच्चे के साथ में कुछ सिली चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो बच्चों को पसंद आती है, तो बच्चे आपको ज़रूर हंसकर देखते हैं। नॉर्मली जब मदर्स राइम गाती हैं तो बच्चे देखते हैं, लेकिन ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है वो बच्चे कई बार राइम्स भी नहीं देखते हैं। तो हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे एक्शंस करने की, कुछ ऐसी अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीज़ें लाने की, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने की जिससे कि बच्चा आपको देखे। सिले वेज में चीज़ों को करने से बच्चे आपको ज़रूर देखते हैं, जिसे कहते हैं कि बच्चे के साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है उन्हें सिखाने के लिए। बच्चा आपकी कमांड को फॉलो नहीं करता है, कमांड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपकी बात को सुने। बच्चा अगर आपकी बात को सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब उसे फॉलो करने तो बहुत दूर की बात है। पहले बच्चा आपकी बात को सुने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसकी लिसनिंग स्किल्स पर काम कीजिए। लिसनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ बोल रही हैं बच्चे को वो छूने के लिए बोलिए। नीचे आप चीज़ें रख दीजिए और उसे पूछिए कि ग्लास कहाँ पर है, चम्मच कहाँ पर है या कॉम कहाँ पर है, तो बच्चा उस चीज़ पर अटेंशन रखता है कि आप कौन से वर्ड को बोलने वाले हैं, तो बच्चे का ध्यान बनना शुरू होता है। आप शुरुआत में दो तीन चीज़ें रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को ज़्यादा कर दीजिए। बच्चे का सुनने का बिहेवियर बनने लगता है कि अभी मम्मा क्या बोलेगी, मुझे वो चीज़ टच करनी है। इन चीज़ों से बच्चों में लिसनिंग स्किल्स डेवलप होने शुरू होते हैं। सर्कल देन ट्राइंगल लास्ट स्टार। वेरी गुड। या फिर आप ऑडिटरी टॉयज को यूज़ कीजिए बच्चों की लिसनिंग पर काम करने के लिए। ये चीज़ें बच्चों में लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाती हैं और आपकी कमांड को फॉलो करना सिखाती हैं। जब आपने बोला है कि कॉम को टच करो तो बच्चा कॉम को टच कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आप उसकी कमांड फॉलोइंग पर काम कर रहे हैं, जो कि स्पीच डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेप है। बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना, क्योंकि बच्चों को अगर स्पीच को लेकर इश्यूज हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर हमने मेडिकल कंडीशन को रूल आउट कर लिया है, बच्चे को कोई टंग टाई का इशू नहीं है, तो ज़रूरी है घर पर उन्हें ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना, जिसे हम ब्लोइंग सकिंग टंग मूवमेंट पे काम करना कहते हैं। अगर ये बच्चों को आप ये डेली एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उससे बच्चों का ओरल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है और बच्चे बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार इस ओरल डिसफंक्शन की वजह से या ओरल वीकनेस होने की वजह से, ओरल सिस्टम में वीकनेस होने की वजह से भी बच्चे नहीं बोलते। इन्हीं बच्चों को आगे चलकर खाने में भी समस्या होती है, बच्चे च्यू नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को कोई ओरल डिसफंक्शन तो नहीं है किसी तरह का। कई बार हम बच्चे को पैसिफायर भी देते हैं, पैसिफायर को बहुत लिमिटेड यूज़ कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के साथ में ज़्यादा देर उसके साथ स्पेंड करें उसके कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए। उसे पैसिफायर देने के बजाय उसे हम ब्लोइंग और सकिंग की एक्टिविटीज़ देते हैं तो बच्चे ज़रूर बोलेंगे। घर पर ही बच्चों को आप ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। टंग पर प्रेशर डालना है बच्चे को स्पून के साथ में, उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बच्चे को टंग को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाना है। आप चाहें तो जैम को यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों की टंग पर मैक्सिमम वर्क किया जा सके। नेक्स्ट रूल की अगर बच्चे को कोई सेंसेस से रिलेटेड इशू है, जिसे हम कहते हैं कि माउथिंग करना, चीज़ों को मुंह में ले लेना, या फिर किसी चीज़ को बाइट करना, बार बार अपने कॉलर स्लीव्स को मुंह के अंदर लेना, इन चीज़ों से भी बच्चों की स्पीच अफेक्ट होती है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था ओरल मोटर के विषय में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और उसे आप ज़रूर ध्यान से देखिए कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं और हमें घर पर उन पर कैसे काम करना है। अगर आप बच्चे के ओरल मोटर के इश्यूज़ को समझ जाते हैं और उन पर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में स्पीच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा मुंह खुला रखता है या बच्चा माउथिंग कर रहा है या बच्चा बाइटिंग कर रहा है, इन चीज़ों से भी बच्चों की स्पीच अफेक्ट होती है, इसके चांसेस कम होने लगते हैं। हमें इन बिहेवियर्स पर काम करने की ज़रूरत है, सेंसरी इनपुट देना ज़रूरी है और साथ ही उनको ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है ताकि बच्चों में जो ओरल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। माउथ की मसाज करना एक बहुत अच्छी ओरल थेरेपी है जो बच्चों में काफ़ी बिहेवियर्स को कम कर सकती है और इसके साथ ही बच्चों में ओरल एवर्जन के इश्यूज को कम करती है। इसके साथ ही वाइब्रेशन ब्रश को यूज़ करना इंटरनल एरिया में या बाहर, या फिर बच्चे को च्यू टिप देना भी उनके ओरल सिस्टम को मजबूत करता है। नेक्स्ट स्टेप है कि कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे लेबल करना, वर्ड्स में बोलिए। ग्लास, आपने ग्लास टेबल पर रखा, टेबल, मम्मा। अगर आप ऐसे बच्चों को वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे बच्चों की वोकेबलरी बननी शुरू होती है, क्योंकि वोकेबलरी बिल्डिंग
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्पीच डेवलपमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिस पर हमें ज़रूर काम करना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन, आप कोई भी एक्शन भी कर रहे हैं तभी बच्चे को बताइए, देखो मम्मा इज कुक, मम्मा कुकिंग या मम्मा इज कुकिंग। अगर बच्चा आपको देख भी रहा है तो वो सुन रहा है, ये चीज़ है कि बच्चा आपको सुन रहा है, उसके अंदर वोकेबलरी आप बिल्ड कर रहे हैं इस वे में। अगर आप कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसका नाम ज़रूर उसे बताइए ताकि बच्चा समझ जाए कि इसे क्या कहना है। ये चीज़ें आप जब नए वर्ड्स बच्चे को सिखाते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे आप बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और यही चीज़ें उसे आगे बोलने में हेल्प करेंगी। ज़्यादातर हम बच्चे से क्वेश्चंस करते हैं, आप क्या कर रहे हो, ये नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, या ये क्या है। जब आपका बच्चा इन चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, उस चीज़ को क्या कहना है, तो बच्चा कभी आपको आंसर नहीं करेगा, और अगर वो आंसर करेगा भी तो वो रॉन्ग आंसर होगा। हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर हम स्पीच थेरेपी बच्चे के साथ कर रहे हैं, हमें अपने बच्चे का लेवल पता है। स्टार्टिंग में जब आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है या फिर आपका बच्चा थोड़े से वर्ड्स जानता है, तो आप कभी उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट को रोकती हैं। क्या कर रहे हो ये कहने के बजाय हम बच्चे को कह सकते हैं कि आप बॉल से खेल रहे हो, ये चीज़ें भी बच्चों को आंसर करना सिखाती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन, बच्चे वर्ब्स को, बच्चे एक्शंस को समझना शुरू करते हैं, बच्चे समझते हैं कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुझे कैसे आंसर करना है या मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब बच्चे समझना शुरू कर दे तो आगे चलकर बच्चों को स्पीच को लेकर इश्यूज नहीं होते, बच्चे आपके क्वेश्चंस को आंसर करना भी सीखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें उनको आंसर करना सिखाना है करके, मॉडलिंग करके या उन्हें बता करके उन्हें क्या बोलना है। अगर बच्चे कोई आप बच्चा कोई भी काम कर रहा है, आप उसको बोलिए गुरजोत इज ईटिंग, गुरजोत इज ड्रिंकिंग, गुरजोत इज प्लेइंग। उसके जो नॉर्मल, जो बच्चा नॉर्मली आपके घर पे जो भी वो काम करता है, उसको आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं सेंटेंस में, उसको बच्चे को पता चलता है कि ये मैं ये कर रहा हूँ और इसे ये कहना है। बच्चों में आप इस तरह से वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, सेंटेंसेस स्मॉल होने चाहिए या वर्ड्स को यूज़ कीजिए, आपके बच्चे के लेवल, उसकी एज पर डिपेंड है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पर आप ऑडिटरी ओवरलोड नहीं करेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लेक्स कमांड दी है या बहुत ज़्यादा हम बोलते जा रहे हैं। वो चीज़ें बच्चों के लिए कभी वर्क नहीं करती हैं। हमें अगर स्पेशली आपके बच्चे को ऑटिज़म है या स्पीच रिलेटेड है, तो हमें बहुत आराम से बात करनी है, सेंटेंस को, कमांड को ब्रेक करके बोलना है, और या हो सके तो वर्ड्स को ही बोलिए शुरुआत में। धीरे धीरे हम स्मॉल सेंटेंसेस पर आ सकते हैं, लेकिन पहले हम वर्ड्स को ही यूज़ करेंगे, तो उससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चों को फंक्शनल वर्ड सिखाना। ज़्यादातर हम बच्चों को कलर सिखाने लगते हैं, देखो ये कौन सा कलर है। हम बच्चों को वो वर्ड सिखाएंगे जो फेमिलियर हैं उसके लिए, या बच्चा जिन वर्ड्स को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि खाना, पानी, रोटी, कुछ भी ऐसा जो चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद हैं या बच्चा डेली उन्हें खाता है, लेता है, प्ले, ये फंक्शनल वर्ड्स हैं, हेलो, ये चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, जिन्हें हम फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। फंक्शनल वर्ड्स का मतलब है कि आप उसे सही जगह पर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो वर्ड्स जो वो रोज़ सुनता है, वो वर्ड्स जो वो रोज़ बोलता है, उन वर्ड्स को आप टारगेट पहले करेंगे, रादर देन हम नॉन फंक्शनल चीज़ों को लें, वो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं। जो वर्ड्स बच्चा डेली यूज़ करता है, जैसे कि पानी, कि बच्चों को मिल्क सिखाना, दूध पीना है, सन, या फिर मोर, मुझे और चाहिए, ये सब वर्ड्स बच्चों को आप पहले सिखाएंगे। नेक्स्ट है रेपिटिशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्दों को रिपीट कीजिए, जैसे कि दूध मिल्क है, मिल्क मिल्क मिल्क, जब भी आप उसे मिल्क दे रहे हैं 3 बार ज़रूर बोलिए, पानी दे रहे हैं 3 बार पानी ज़रूर बोलिए। बच्चा उन चीज़ों को समझना बोलना शुरू करता है। कई बार बच्चे आपको लिप्स को समझकर समझ जाते हैं कि मुझे ये वर्ड्स को या इस वर्ड को कैसे बोलना है, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। इसके अलावा ज़रूरी होता है बच्चे के इमिटेशन पर काम करना। अगर आपका बच्चा आपको ग्रॉस मोटर इमिटेशन नहीं करता है, पहले तो आप उसको ग्रॉस मोटर इमिटेशन सिखाइए। ग्रॉस मोटर इमिटेशन के साथ ज़रूरी है बच्चे को वर्बल इमिटेशन सिखाना। अगर बच्चा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसकी साउंड पर वर्क कीजिए। अगर बच्चा वर्ड्स नहीं बोलता है, तो वर्ड्स पर काम कीजिए। लेकिन इमिटेशन बहुत ही ज़रूरी स्टेप है बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट का। हम दूसरों को बोलते हुए देखते हैं तब सीखते हैं, लेकिन ऑटिज्म में बच्चे आपको देखते ही नहीं, इसलिए वो सीख नहीं पाते हैं। ज़रूरी है बच्चों को इमिटेशन स्किल्स को डेवलप करना, ताकि बच्चे दूसरों को देखना शुरू करें और बोलना सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स और बुक्स को यूज़ करना, क्योंकि विजुअल्स जितने ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ऑटिज्म स्पेशली, या अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेट भी है,
तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि विजुअल से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप बच्चे को पिक्चर दिखाकर उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो वो चीज़ बच्चे के व्यू में है, क्योंकि अगर आप किसी भी और चीज़ को ले रहे हैं और बच्चे को ऐसे सिंपली बता रहे हैं तो बच्चे शायद उस पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को अटेंशन को लेकर इश्यूज़ होते हैं। तो हमें पिक्चर्स, विजुअल्स, फ्लैश कार्ड्स जो ऑब्जेक्ट्स को ही यूज़ करना चाहिए बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट पर काम करने के लिए। और अर्ली स्टेजेस में स्पेशली हमें विजुअल्स की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, उस चीज़ पर उनका ध्यान बना रहे। के साथ ही ज़रूरी होता है बच्चों को ग्रामर की रूल की जानकारी देना। ग्रामर के रूल्स अगर बच्चा नहीं जानता है तो उसका अफेक्ट बच्चों की स्पीच पर पड़ता है। ज़्यादातर ग्रामर को इग्नोर किया जाता है, लेकिन स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि तू का मतलब यू है या आई किसे कहना है, यू किसे कहना है, ताकि बच्चे आंसर कर पाएँ। अगर आपने बोला है व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चा यू को जानता हो कि मुझे आई बोलना है, आई एम प्लेइंग। क्योंकि ये जो प्रोनाउन रिवर्सल बच्चों में होता है ऑटिज्म में, या बच्चों में रेपिटेशन आता है जब बच्चे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो इसका सीधा संबंध होता है बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स की कमी है। और अगर आप बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे बोलना सीखते हैं और सही से आंसर करना सीखते हैं। अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली आप बच्चों में उनकी स्पीच, उनकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट ज़रूर देखेंगे। बच्चे ज़रूर बोलेंगे और 100% बोलेंगे, क्योंकि अगर आप बच्चे की इन चीज़ों को, इन अगर इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी रूल्स हैं जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, लेकिन आपके लिए ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है या फिर वो स्पीच डिलेट है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उनको घर पर ही स्पीच थेरेपी देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।